जीव व्यापम ने 17 मार्च 2019 को एग्ज़ाम लिया था, उसका सेट डी का अवलोकन करेंगे। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में CGPSC या फिर व्यापम के एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उससे पहले इस वीडियो का अवलोकन जरूर करें। दोस्तों, इसमें 150 प्रश्न पूछे गए थे और समय 3 घंटा दिया गया था। दोस्तों, इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा क्योंकि 150 प्रश्न एक ही वीडियो में कवर करने में वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट का वीडियो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पहला पार्ट को अच्छे से पहले देख लीजिएगा, उसके बाद सेकंड पार्ट को वॉच कीजिएगा। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि पटवारी के सिलेबस में कंप्यूटर, भाषा में हिंदी और अंग्रेजी, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर और छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, ये सारे सिलेबस में होते हैं। और यहाँ से कितने कितने प्रश्न आते हैं उनके विवरण यहाँ पे दिया गया है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। तो भाग ए कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? तो कंप्यूटर सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? तो सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है, ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है? तो कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से प्रिंट करता है। थर्ड क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर को ही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। तो विंडोज से ऑपरेटिंग करते हैं, लिनक्स भी करते हैं, डॉस भी करते हैं, लेकिन ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो MS-DOS और जेनिक्स सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि यूनिक्स मैनी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 6 है, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आता है? तो MS Excel। आप सभी को पता होगा MS ऑफिस और MS Excel कंबाइन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, साधारणतः फूटर कहाँ पर प्रिंट होता है? तो सभी पृष्ठों में फूटर प्रिंट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल क्या है? तो IP एड्रेस और TCP प्रोटोकॉल को इंटरनेट यूज़ करता है संचार के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सी वेबसाइट आपको स्थानीय दुकान अर्थात लोकल शॉप का विवरण देती है? तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको आंसर मिल जाएगा, यहाँ इंग्लिश में देखिए लोकल शॉप, तो उसके लिए localshop.com है। कई लोग इसको जस्ट डायल लगा के आए थे जो गलत था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम IP प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है क्या कहलाता है? स्मर्फिंग कहलाता है, स्मर्फिंग। दोस्तों, ये पटवारी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और जितने भी व्यापम के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कंप्यूटर रहता है उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोगों को इससे आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका एनालाइज आप लोग जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक कंप्यूटर वायरस जो आम तौर पर खुद ही अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला करता है क्या कहलाता है? तो ट्रोजन हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, VGA का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो वीडियो ग्राफिक्स एरे, याद रखिएगा वीडियो ग्राफिक्स एरे इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है? तो .png, .tif और .jpg आप सभी जानते हैं, लेकिन .img png फॉर्म नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 TB बराबर कितना होता है? तो इसका आंसर उपयुक्त तो सभी आएगा क्योंकि 10^3 अर्थात 1000, तो 1 TB बराबर 1000 GB हो जाएगा, 10^6 हो जाएगा MB में हो जाएगा, और 10^9 वही KB में हो जाएगा, मतलब 3-3 का पावर बढ़ते जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिए कि 1 TB इज इक्वल टू 10^3 GB होता है, तो ये सब आपको 3-3 बढ़ाने में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिस्क संरचना के बारे में सही क्या है? तो डिस्क सिलेंडर ट्रैक और सेक्टर तीनों से मिलकर बना होता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है अर्थात जो गूगल से संबंधित नहीं है? तो एंड्रॉयड गूगल ऑपरेटिंग करता है, क्रोम और जीमेल भी गूगल का सॉफ्टवेयर है, लेकिन iOS अलग कंपनी है, उसका अलग स्वामित्व है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यूट्यूब के गुड़ों प्रॉपर्टीज में क्या गलत है?
यहाँ पे क्या गलत है उस चीज़ को बताना है, तो YouTube में वीडियो अपलोडिंग कर सकते हैं, डाउनलोडिंग कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं, लेकिन एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि एनालिसिस जिसका चैनल होता है उसी के पास उसका राइट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 18, रोबोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल किस क्षेत्र में होता है? तो मैन्युफैक्चरिंग में रोबोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 19, स्टोर में हर बेचने वाले उत्पाद पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो बारकोड रीडर। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? तो मदरबोर्ड सभी कंप्यूटर के पार्ट्स को आपस में जोड़ता है। अब पार्ट भी देखते हैं, भाषा जिसमें पहले देखते हैं सामान्य हिंदी के प्रश्नों को। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो पहला देखते हैं, इतने में क्या देखते हैं कि सामने नंगी तलवार लिए वह खड़ा है, ये बिल्कुल सही है। वह अनेक वर्षों से वहाँ पढ़ता था, पढ़ाता था, ये भी सही है। तुम्हारे पिताजी को आने दो तो तुम्हें मैं मज़ा चखाता हूँ, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से यण संधि शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो यण संधि मतलब स्वर संधि का ही एक प्रकार है। तो दो स्वरों मतलब दो स्वर मिलकर व्यंजन बनाते हैं यण संधि में। तो यहाँ पे देखिए, उ प्लस अ मतलब मनु, उ प्लस अ तो यहाँ पे व बना है, व व्यंजन बनाया है, तो मनवंतर हो गया है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे सीधा देखिए, पहले उसका भ्रांतिमान अलंकार का परिभाषा, जो विशेष साम्यता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो, मतलब जिसमें विशेष साम्यता के कारण किसी दूसरी दूसरी वस्तु का भ्रम हो, यहाँ पे ऑप्शन डी इसका आंसर है। देखिए यहाँ देखते हैं, पायम महावर दैन को नाइनी बैठी आई, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मीरती जाई। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो इस क्रम में मात्राएं होती है 13-11, पहले पंक्ति में और दूसरी पंक्ति में भी 13-11, मतलब कि ऐसा दो पंक्ति दिया जाता है तो उसमें पहले पंक्ति में 13-11 और दूसरी पंक्ति में भी 13-11 होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्गयुक्त है? मतलब कि उपसर्ग मतलब जो शब्द के पहले लगे। तो यहाँ पे देखिए, अचेत, अथाह और अबेर तीनों में अउपसर्ग दिख रहा है, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा के शब्द भंडार में शामिल तद्भव शब्द है? तो यहाँ पे पंग शब्द तद्भव है, बाकी सारे तद्भव शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित चारों विकल्पों में प्रथम शब्द के बाद तीन अन्य शब्द है, इनमें से प्रथम शब्द के अनेकार्थी शब्दों का सही विकल्प कौन सा है? तो यहाँ देखिए, नाग का पर्वत, पेड़ और सांप, इसका अनेक अर्थ है नाग का, तो ये ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे काम का प्रयोजन, लेकिन गेहूं नहीं होगा, गेहूं फल है। द्विज का चंद्रमा नहीं होता है, ये भी गलत है। तो वर्ण का रंग होता है लेकिन प्रिय नहीं होता है, अक्षर होता है, रंग होता है लेकिन प्रिय नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंज शब्द का पर्यायवाची नहीं है? कंज अर्थात अमृत, तो यहाँ पे अमृत होगा, ब्रह्मा भी होगा, कमल भी होगा, लेकिन मदिरा जहर में आ जाएगा, जहर में आएगा, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो ध्वनि उत्पन्न होने के पहले की क्रिया को अभ्यंतर और ध्वनि के अंत की क्रिया को बाह्य क्रिया कहते हैं। इसके अनुसार वर्ण के दो भेद होते हैं, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यह जो है निश्चयवाचक, निश्चय मतलब वाक्य के निश्चय को बताया जा रहा है यहाँ पे, तो निश्चयवाचक सर्वनाम ऑप्शन बी आ जाएगा। भाषा का सेकंड पार्ट है जनरल इंग्लिश, इसके भी 10 प्रश्न पूछे गए थे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31, चूज द करेक्ट कंजक्शन एंड फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक, यू ट्राई यू विल नॉट सक्सीड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं होते, तो यहाँ पे इसका सबसे करेक्ट कंजक्शन हो जाएगा अनलेस, क्योंकि अनलेस कंडीशन से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है तुम सक्सेस नहीं होते, यदि तुमने ट्राई नहीं करता तो सक्सेस नहीं होते, तो अनलेस आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन।
ही लीन्ड द वॉल, तो यहाँ पे लीन्ड मतलब झुकना हो जाता है, तो यहाँ पे अगेंस्ट आ जाएगा। देखते हैं कैसे आएगा। वेन यू डू समथिंग अगेंस्ट समबडी और समथिंग, मतलब किसी के लिए या फिर किसी वजह से कोई कार्य करो तो किसी के अगेंस्ट कार्य करो, तो वहाँ पे अगेंस्ट प्रीपोजिशन आएगा। तो ही लीन्ड अगेंस्ट द वॉल, मतलब कि वह दीवार के अगेंस्ट झुका है। क्वेश्चन नंबर 33, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव इन द फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो सेंटेंस दिया है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये इसका सब्जेक्ट है, और ये इसका मॉडल हो जाएगा, और ये इसका वर्ब है। तो ऐसा फार्मूला हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट गायब हो जाता है, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ही जो बचा रहेगा, या फिर रेस्ट ऑफ थिंग्स, इसको सब्जेक्ट न कहकर ROT रेस्ट ऑफ थिंग्स बोलेंगे। तो देखिए इस फार्मूला में जब आते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो द ओशियन ऑब्जेक्ट हो गया, फिर मॉडल कैन नॉट मॉडल हो गया, प्लस बी, तो यहाँ पे बी। अब पंप का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो पम्प्ड, फिर रेस्ट ऑफ थिंग्स ड्राई जो बचा है उसको लिख देंगे, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, चूज द करेक्ट नरेशन। दिया है ऋषि टोल्ड हिम योर बैग इज न्यू, तो इसके नरेशन में चेंज करेंगे हम लोग इनडायरेक्ट में, तो ऋषि टोल्ड हिम दैट, यहाँ पे इसको ज्वाइन करने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, और यूअर का हिस हो जाएगा, बैग इज का वॉश हो जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट में वॉश हो जाता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड मीनिंग अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, मतलब कि रिलेशनशिप का करेक्ट मीनिंग कौन सा होगा, तो रैपोर्ट होगा, रैपोर्ट मतलब भी संबंध होता है, बाकी ये तीनों का कोई अर्थ ही नहीं बनता है। यहाँ पे सिलेक्ट द करेक्ट एंटीनोम, मतलब कि विलोम शब्द, तो बेसमिर्च मतलब कि गंदा करना या अपमान करना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, सम्मान करना मतलब ऑनर, और कंडेम मतलब निंदा करना, क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना, और एप्रिसिएट मतलब सराहना करना। क्वेश्चन नंबर 37, सेलेक्ट द करेक्ट साइनोम मतलब पर्यायवाची फॉर द वर्ड व्रेज्ड, व्रेज्ड मतलब मनहूस होता है, तो इसका यहाँ पे देखिए सेटर्ड मतलब बिखरना, क्लम्सी मतलब अनाड़ी, टायर्ड मतलब थका हुआ, और यहाँ पे ऑप्शन डी मिसरेबल मतलब दुखी, तो मनहूस का दुखी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ ग्रेट लवर ऑफ बुक, मतलब जो बुक को प्यार करता है उसको क्या बोलेंगे, तो पुस्तक प्रेमी बोलेंगे, मतलब बिब्लियोफिल, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बायोग्राफी जीवनी को कहते हैं, बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची, और बिब्लिका मतलब बाइबिल। क्वेश्चन नंबर 39, चूज द करेक्ट फेमिनिन जेंडर ऑफ द वर्ड स्टैग, तो फेमिनिन जेंडर क्या होता है, अ नाउन दैट शोज फीमेल सब टाइप, जैसे कि काऊ, गर्ल्स, वुमेन आदि सब फेमिनिन जेंडर होंगे, तो हिरण का फेमिनिन मतलब कि मादा क्या हो जाएगा, तो हिरनी हो जाएगा, मतलब हैंड मतलब हिरनी होता है, या फिर डो। विक्सेन लोमड़ी को कहते हैं फीली बछेड़ी, अर्थात गाय के मादा बच्चे को फीली कहते हैं, बछेड़ी, और गूस मतलब बतख। क्वेश्चन नंबर 40, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन, रामा एंड ब्लैंक वी वे प्रेजेंट इन द क्लास, तो यहाँ पे आई आ जाएगा, रामा एंड आई, क्योंकि देम दे हो जाएगा, हर यू हो जाएगा, मी का मी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आई मतलब एक वचन को यहाँ पे दिखाना है, तो आई आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। थर्ड पार्ट है सामान्य गणित, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 3 × 1/3 प्लस 3 × 1/3² ऐसे ही आगे क्रम में दिया गया है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में आप जो 3 3 3 ये जो पार्ट्स है उसको पहले ऐड कर दीजिए, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करके जो 1/3 के जो फॉर्म में है उन सबको ऐड करते जाइए, तो इसको आप लोग ऐड करेंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में ये संख्या एक ही बार दिया है, तो इधर और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन डी को लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 42, यदि x(y) = 2x + 5y, तब 3 × 5 और 5 × 3 से कितना बड़ा है, तो 3 और 5 और 5 और 3 को x और y की जगह में रखिए, तो सबसे पहले 3 और 5 को रखते हैं, तो 3 × 2 = 6 और 5 × 5 =
25 मतलब ये आ गया अपना 31, और वैसे ही 5 दूनी 10 मतलब, और 5 दिया 15 मतलब 25 आ गया, और 31 और 25 का डिफरेंस यहाँ पे 6 है, तो आंसर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, दो संख्याओं में से पहले के दुगने के साथ दूसरी के 3 गुने को जोड़ने पर 1200 प्राप्त होता है। मान लेते कोई दो संख्याएं एक्स और वाई है, तो इसमें बोला गया है पहले के दुगने मतलब एक्स के दुगने को दूसरे के तिगने मतलब वाई के 3 गुने के साथ जोड़ने पर 1200 जो प्राप्त होगा वो बराबर के उस पार हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, जबकि पहले के 5 गुने मतलब एक्स के 5 गुने को दूसरे के 3 गुने मतलब वाई के 3 गुने के साथ घटाने पर 900 प्राप्त होता है। तो सिंपली यहाँ पे इसको ऐड कर दीजिए तो 7x हो जाएगा, और ये 3y और 3y कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस और प्लस है, और 1200 प्लस 900 2100 हो गया, और 7 या 21 मतलब 3, तो x का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया 300। अब इसको इस या फिर इस इक्वेशन में रख दीजिए, हम लोग पहला में रख के देखते हैं, तो 2 × x का वैल्यू हो जाएगा 300 प्लस 3y इक्वल टू 1200, तो ये 600 हो जाएगा, उधर जाके यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो 200 आएगा, तो y का वैल्यू 200 आ गया। और इसमें बोला गया है तब दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो x माइनस वाई 300 माइनस 200 तो 100, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 55 है जबकि 7 क्रमागत संख्याओं का योग 77 है, तब पहले श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या एवं दूसरे श्रेणी की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो दोस्तों अगर 5 क्रमागत संख्या लिखा हो और उसमें सम या विषम संख्या नहीं लिखा हो, तो x से स्टार्ट करेंगे तो x+x+1+x+2x+3x+4 ऐसा करके जाना है, और योग दिया रहेगा वो बराबर में रहेगा, तो 55। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 संख्या हो गया और 55, तो इसको सॉल्व करने पर x का वैल्यू 9 आ जाएगा। वैसे ही सेकंड कंडीशन में 7 क्रमागत बोला है, तो x से प्लस 6 तक जाएंगे, तो योग दिया है 77, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे दो कंडीशन दिया है, देखिए तब पहले श्रेणी का श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या एवं दूसरे श्रेणी की सबसे छोटी संख्या, तो पहले श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या x प्लस 4 हो जाएगा, और दूसरे श्रेणी की सबसे छोटी संख्या यहाँ पे x हो जाएगी, तो x प्लस 4 माइनस x करेंगे। अब यहाँ x पहले वाले कंडीशन से रख देंगे, 9+4 13 हो गया, और यहाँ पे x 8 दिया है, तो 13 - 8 यहाँ पे 5, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, एक कार ए से बी 120 किलोमीटर प्रति घंटे तथा बी से ए 80 किलोमीटर प्रति घंटे से लौटता है, तो उसकी यात्रा की औसत गति कितनी होगी। तो औसत चाल या फिर गति का फार्मूला होता है 2xy/x+y, यहाँ पे x और y की जगह में 120 और 80 रख दीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 96 आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, 35 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 है, इसमें कितना पानी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पानी मिलाया जा रहा है ना, तो इसका अनुपात 5:3 हो जा रहा है। तो सबसे पहले 35 लीटर में दूध और पानी का अनुपात कितना है उसको निकाल लेते हैं। तो 5:2 के अनुपात में मिले हैं, तो दूध को एम से और पानी को डब्ल्यू से डिनोट कर दिया यहाँ पे। तो 35 लीटर में सबसे पहले पानी का निकालते हैं, तो अनुपात के नियम से 5/5+2 7 हो गया, तो यहाँ पे 25 लीटर आ गया दूध। अब 35 लीटर और 25 माइनस करेंगे तो 10 लीटर पानी आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, तो 25/10 प्लस मान लेते हैं एक्स पानी और मिलाया जाता है, तो इसका अनुपात 5:3 हो जाता है जो क्वेश्चन में दिया है। अब इसको तिरिया गुणा कर दीजिए, तो 25 × 3 = 75 और 10 × 5 = 50 + 5x, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स का वैल्यू 5 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और 20% की कमी कर दी जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है x + y इजी फार्मूला है ये, प्लस x × y/100, यहाँ पे वृद्धि को प्लस के साथ लिखेंगे और कमी को माइनस के साथ, तो x और y की जगह में पुट कर देते हैं, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, फिर ये एक दूने से कट जाएंगे, यहाँ पे जो एक जो दो जीरो है ये दो जीरो से कट जाएगा, तो +2 और -2 बचेगा, तो जो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4 आएगा, माइनस कमी को दर्शाता है, मतलब कि ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, एक व्यक्ति कुछ संतरे 100 में 60 की दर से खरीद कर 120 में 70 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ बताइए। यहाँ पे लाभ निकालना है,
दोस्तों इसको आप लोग लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो टाइम कंज्यूमिंग है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट मेथड आप लोगों को बताया जिसमें किसी भी प्रकार का फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले इन चारों को लिख दीजिए सीरीज से जैसे दिया है वैसे। अब जो बीच के जो दो संख्या है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर माइनस में जो किनारे किनारे की संख्या है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नीचे में किनारे किनारे जो है उसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए और गुणित 100 कर दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे लाभ का प्रतिशत निकालना है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7200 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7000 आएगा, नीचे वाला भी 7000। तो 7200 में 7000 माइनस करेंगे तो 200 बटे 7000 गुणित 100, और इसको कटा दीजिए, ये कट गया तो 20/7 आ गया, तो यही आंसर है। लेकिन यहाँ पे इस फॉर्म में दिया है तो देखिए 7 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 2 14 और 6 से प्लस हो जाएगा, तो वही आ गया 20, मतलब कि ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 20% है, तब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको। मान लेते हैं उस वस्तु का विक्रय मूल्य एक्स है, तो विक्रय मूल्य का 20% दिया है क्रय मूल्य, मतलब एक्स का 20% दिया है। तो यहाँ से निकाल लेंगे 2 × 2 = 10, तो एक्स अपन 5 आ जाएगा। मान लेते हैं एक्स बराबर एक्स अपन 5 है, इसको एक्स की जगह में कुछ भी मान सकते हैं आप, क्योंकि इसको मान सकते हैं वो कटेगा जाके। अब माना विक्रय मूल्य वाई, माना विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का वाई प्रतिशत है, मतलब क्रय मूल्य एक्स अपन 5 का वाई प्रतिशत है, वाई अपन 100। तो यहाँ पे ये एक एक्स से कट गया और ये 500 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके और इधर आ जाएगा, तो वाई का वैल्यू आ गया यहाँ पे हमको 500%, मतलब कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे ये इसको निकालने के लिए शॉर्टकट है, T2 = N2 - 1/N1 - 1 × T1। यहाँ पे देखिए कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष, मतलब कि T1 ले लेंगे 10 वर्ष को, 2 गुना मतलब N1 ले लेंगे, वैसे ही तो कितने वर्षों में, मतलब T2 निकालना है और यहाँ पे N2 दिया है 4 गुना, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 4 - 1/2 - 2 - 1 × 10, तो 3 × 10 आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 की धनराशि 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो 24 वर्ष बाद कितनी गुनी हो जाएगी? तो यहाँ पे वर्ष लिख लीजिए और मूलधन लिख लीजिए और मिश्र धन, ठीक है, या फिर गुना। 6 वर्ष में दिया है 2 गुना हो जाती है, मान लेते हैं 6 वर्ष में कोई एक यूनिट मूलधन है 2 गुना हो जाती है, अब तो प्लस 6 और कर देंगे, यहाँ पे प्लस 6 और कर देंगे, अब 12 वर्ष में देखते हैं तो 2 यूनिट 4 गुना हो जाएगी, अब और 6 करेंगे तो 4 यूनिट हो जाएगा, तो 8 गुना हो जाएगी। वैसे ही हमें 24 तक जाना है क्योंकि यहाँ पे 24 वर्ष दिया है, तो 24 वर्ष में 8 यूनिट कितने गुना हो जाएगी? 16 गुना। तो यहाँ पे देखिए एक यूनिट हमें 500 दिया है, तो 16 यूनिट कितना हो जाएगा? 500 × 16 मतलब 8000, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52, ऐसे प्रश्न टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और केवल छोड़ने के लिए आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग अपना टाइम बर्बाद मत कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़िए। अगर आप लोग इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो मैंने नीचे सॉल्व करके बता दिया है इसको, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। इसका आंसर 215 आ रहा है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, ए बी बराबर 18.2 सेंटीमीटर तथा डी बराबर 13 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, यदि डी ई एफ की परिमाप 50 सेंटीमीटर हो तो ए बी सी का परिमाप क्या होगा? तो समरूप त्रिभुज के लिए हमें पता है उसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो ए बी अपन डी एक दूसरे के बराबर हो जाएगी, मतलब समांतर हो जाएगी, और उसके परिमाप भी एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे, तो ए बी सी के परिमाप अपन डी एफ का परिमाप, तो ए बी दिया है 18.2 और डी दिया है 13, और हमें यहाँ पे डी एफ का परिमाप दिया है 50, ए बी सी का परिमाप निकालना है, तो तिरियक गुणा कर देते हैं, तो 50 × 18.2 / 13, 50 × 18.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 910 / 13, तो 13
91 होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी 70 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 39 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा उनके विकर्ण भी, दोनों विकर्ण अलग अलग होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं लेकिन भुजाएं बराबर होती हैं, और एक विकर्ण की लंबाई 72 सेंटीमीटर दिया है, तो दोनों विकर्णों की लंबाई का अंतर ज्ञात करना है। सबसे पहले दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे, फिर अंतर निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं इस विकर्ण का लंबाई 72 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, और ये 39 सेंटीमीटर दिया है। अब हमको ये वाला पोर्शन निकालना है, मतलब BC पता है हमको, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 72 का आधा 36 आ जाएगा वो भी। अब यहाँ पे पाइथागोरस लगा देंगे इतना में, तो ये मिल जाएगा OD, तो OB कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण दिया है 36, OD निकालना है और आधार पता है 39, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और OD 15 आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए, OD पता चल गया तो AO भी निकाल सकते हैं। AO कैसे निकलेगा, OD में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30, मतलब कि दूसरे विकर्ण की लंबाई 30 आ गई। अब दोनों का अंतर निकालना है, तो पहले विकर्ण 72 है, दूसरे का 30 है, तो 42, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, धातु के बने एक घनाभ का भार 500 किलोग्राम है, यदि इसकी सभी विमाओं को पूर्व की विमाओं का 20% कर दिया जाए तो नए घनाभ का भार कितना होगा। तो मान लेते हैं, अब पता है हम लोगों को घनाभ का जो आयतन होता है LBH, ठीक है, जो आयतन है 500 kg दिया है। अब वी बन लेते हैं, इसकी सभी विमाओं को पूर्व विमाओं का 20% कर दिया जाए, मतलब कि 20 × L/100 करेंगे तो L/5 आ जाएगा, ठीक है, वैसे तीनों आ जाएगा, तो इसको तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/25 × LBH। अब LBH 500 रख देते हैं, तो 125 चौकम 500 होता है, तो 4 kg आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 56, दोस्तों इसको सॉल्व करने से आंसर आने में प्रॉब्लम हो रहा है और शायद इसको विलोपित भी किया गया है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 56 को छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, चार लड़के पिस्टल के एक गोली दागते हैं, इसके पश्चात वे प्रत्येक 4, 5, 6 तथा 8 सेकंड के अंतराल में गोली दागते हैं। प्रथम बार एक साथ गोली दागने के पश्चात 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ गोली दागेंगे, 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ गोली दागेंगे। तो ऐसे प्रश्न में इसका LCM निकाल दीजिए आप लोग। LCM निकालेंगे तो 120 सेकंड आएगा, सभी सेकंड में है, मतलब ये भी सेकंड में हो जाएगा, तो 120 सेकंड मतलब 2 मिनट। अब बोल रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार गोली दागेंगे, तो इजीली है, 30 मिनट में 2 को डिवाइड कर दो तो आ जाएगा गोली दागने की संख्या 15 बार। क्वेश्चन नंबर 58, दो अंकों का LCM तथा HCF 5083 तथा 23 है, यदि एक अंक 391 है तो दूसरा अंक क्या होगा। तो आप सभी को पता है बेसिक सा, x(y) = LCM (HCF, तो यहाँ पे एक संख्या दे दिया है तो दूसरी को x मान लेते हैं और LCM (HCF, अब इसको इधर भेज देते हैं, फिर 391 एकम और 13 बार में ये चला जाएगा, तो 13 × 23 = 299, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, 0.0081/1/4, 0.0061/1/4 × 0.5, तो इसको यहाँ देखते हैं, सबसे पहले इसमें हम जो दशमलव है उसको हटा देंगे, तो 81/दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना एक के साथ जीरो लग जाएगा, ठीक है, नीचे भी वैसे ही होगा, और यहाँ पे 5 है तो 5 के नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक संख्या है। अब इसको ऊपर भेज देते हैं, तो 1000/16, दोनों का पावर 1/4 है तो दोनों का पावर 1/4 हो जाएगा, ठीक है, तो 1000 कट गया 1000 से, और 81/16। अब देखिए, जो 81 है 3 के पावर 4 करेंगे तो 81 प्राप्त होगा, वैसे 2 का पावर 4 करेंगे तो 81 प्राप्त होगा। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे 4 है और 4 को यहाँ से कटा दो तो 3/2 बचेगा और 5/10 पहले से है, तो 3/2 और 5/10, और 5 × 5, 5 × 2 = 10, मतलब 3/4 आ रहा है, ठीक है, तो इसको कटाना है, तो
चार सुनम सुन, ठीक है। अब दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 4 7 28 बच गया दो, फिर वो जीरो लग जाएगा उसके साथ, तो 20 बन गया। तो 4 5 20 मतलब 0.75। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60। ए के मान की गणना कीजिए जहाँ ए इज इक्वल टू 25 का पावर -3 बटे, ऐसा कुछ दिया है, इसको देखिए आप लोग, यहाँ इसका सॉल्यूशन किया हूँ। तो 25 5 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 5 का पावर -6 है, इसको नीचे की तरफ बनाने के लिए ऐसा करेंगे, ठीक है। ये दोनों हो जाएगा 5 का पावर -6, तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। अब यहाँ पे 5 के स्क्वायर बटे पॉइंट पॉइंट को हटाएंगे तो 5 बटे 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 के स्क्वायर इसको ऊपर भेज देंगे, तो 10 स्क्वायर बटे 5 स्क्वायर, यहाँ पे 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर कट गया, तो 10 स्क्वायर यहाँ पे दिया है। ऑप्शन डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 61। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है, उस कक्षा के शिक्षक तथा विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला है 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, तो 595 आएगा। अब उनके साथ एक शिक्षक आ जाता है, मतलब 35 विद्यार्थियों के साथ एक शिक्षक आ गया, तो 36 हो गए। अब उनका औसत आयु 18 वर्ष हो जाता है, तो 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो 648 आएगा। तो शिक्षक की आयु 648 में इतना माइनस करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 53 वर्ष, मतलब ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62। यदि एक पानी टंकी का 4/7 भाग 8 घंटे में भरे, तो टंकी का आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा? तो इसको अनुपात में देखते हैं, 4/7 भाग को 8 घंटे में भर दिया, तो आधा भाग भरने में मान लेते हैं एक्स घंटा लगता है, ठीक है। तो तिरियक गुणा कर देते हैं, 4/7 × 1/2 और 8/x, सॉरी तिरियक गुणा नहीं करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, 4/7 / 1/2 और 8 को डिवाइड करेंगे एक्स से, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा यहाँ, 7/7, तो 8 और 8 कट गया, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे 7 आ गया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 63 है, ऐसा दिया है, इसको सरल सरल करना है, मतलब ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, तो माइनस ए के पहले अंदर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और माइनस सी यहाँ पे दिया है, अभी भी है, यहाँ भी देखिए है, और नीचे में जियो कत्यो है। अब माइनस सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी सी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे में ऐसा। अब यहाँ से माइनस ए सी को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस बी बचेगा और यहाँ पर प्लस सी बचेगा, नीचे में वैसा ही रहेगा। फिर यहाँ पे माइनस का ऊपर में ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सी माइनस बी नीचे ए प्लस बी। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके देखिए, ऐसे में समझ नहीं आएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए और कैसे हुआ इसको देखिए, एक बार में समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64। दो कार एक बिंदु ए से 12 मिनट के अंतराल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आरंभ होती है। विपरीत दिशा के बिंदु बी से एक व्यक्ति पहले कार के साथ चलना प्रारंभ करता है, यदि वह दोनों कार के 10 मिनट के अंतराल में मिलता है तो उस व्यक्ति की गति क्या होगी? तो पॉइंट ए से 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से 12 मिनट के अंतराल में दो कार जाती है, तथा बी से एक आदमी, मान लेते हैं बी, किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से 10 मिनट के अंतराल में आती है। तो यहाँ पे देखिए, चाल जो होता है समय के विपरीत होता है, ये बेसिक है। तो यहाँ पे कार है, ठीक है, और इसका अनुपात करते हैं तो कार प्लस जो आदमी आ रहा है उसको ऐड कर देंगे। अब देखिए, उसका उसका अंतराल दिया है 12, इसका अंतराल दिया है 10, यहाँ पे चाल और समय अनुक्रमानुपाती होते हैं, तो इसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है, इसको 2 से कटा दीजिए, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। अब कार का मिल गया हमको कितना, 5, तो कार का 5 प्लस कार प्लस आदमी कितना है, तो एक आदमी है, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 यूनिट मतलब 20 किलोमीटर पर आवर, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65। यदि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:4 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? तो ए और बी की जगह में इस वैल्यू को रख दीजिए,
ए स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर मतलब 9, 4 के स्क्वायर मतलब 16, और इसका फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे 9 ए स्क्वायर का और बी स्क्वायर का 16 प्लस 2 गुणित ए इंटू बी, यहाँ पे ए और बी की जगह में 3 और 4 रखना है, ठीक है। तो इसको 25 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 49 आ जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66। एक समतल वृत्तीय ठोस शंकु के आधार का व्यास 10 इंच है तथा उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 इंच है, तो शंकु के सतही पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे व्यास दिया है डी 10 इंच, ठीक है। तो आर क्या हो जाएगा? 10/2 5 हो जाएगा, ठीक है। अब तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, आर पता है और एच दिया है 12, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर मतलब 169 हो जाएगा। इसको 25 प्लस 144 करेंगे तो मतलब 13 आ जाएगा, ठीक है। अब फार्मूला में रख देते हैं, पाई दोनों में इक्वल है तो यहाँ पे आर और एल 5 × 13 5 यहाँ पे है और एल निकालने हैं 13 प्लस आर स्क्वायर मतलब 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 90 पाई वर्ग इंच, इसको चेंज मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आंसर इंच में ही दिया गया है, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67। जब एक संख्या को 171 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 40 आता है, यदि उस संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा? दोस्तों जो शेषफल है उसी को अगले संख्या से भाग देना है, यहाँ पे शॉर्टकट याद रखिए। तो यहाँ पे शेषफल कितना है? 40 है, उसी को 19 से भाग देना है। तो 19 से भाग दिया तो 2 बार जाएगा 38 में, बच गया शेषफल 2, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68। संख्या 2013 का पावर 2019 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो 2019 विषम संख्या है तो इसको सम बना देते हैं, तो 2016 और 4 में तोड़ देंगे, तो 16 और 4 19, ठीक है। तो यहाँ पे इकाई अंक है उसका पावर 4 होता है, आप सभी पता है, तो 3 का पावर 4, तो 3 × 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो इकाई अंक कौन सा है? 7, मतलब ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69। कुछ ऐसा दिया है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है, तो इसका शॉर्टकट ट्रिक है 231 और 102 को जोड़ेंगे तो 333 आएगा, या फिर 213 और 120 को जोड़ेंगे तो भी 333 आएगा, ये इसका शॉर्टकट है। लॉन्ग कट में यह बहुत लंबा बनेगा और सॉल्व करने में दिक्कत जाएगा क्योंकि बड़े यहाँ पे बड़े बड़े डाटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 70। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 1553 और 2175 को भाग देने पर क्रमशः 3 एवं 5 शेष बचे? तो सबसे पहले इन दोनों में जो शेष फल है उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो 1550 और 2170 आएगा, इसका HCF निकालना है, ये बड़ी संख्या है तो HCF निकालने में प्रॉब्लम जाएगा। तो अब ऑप्शन में चलते हैं, तो इन सब संख्या से डिवाइड करके देखना है, अगर इन सब संख्या से ये पूरी तरह भाग चला जाता है मतलब वही आंसर है। तो यहाँ 310 से पूरी तरीके से भाग चला जाएगा, देखिए 310 से 5 बार में जाएगा और ये 7 बार में जाएगा, मतलब ऑप्शन डी सही आंसर है। भाग सी देखते हैं, रीजनिंग का पार्ट है ये, रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं, रीजनिंग वाले पार्ट को। तो क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से कौन से अगले अक्षर होंगे जो नीचे दिए गए अक्षर श्रेणी में आगे होंगे? तो यहाँ पे देखिए बी सी डी के बाद एफ आ रहा है, मतलब डी के बाद प्लस टू हो रहा है तो एफ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एच आई जे, फिर प्लस टू, यहाँ पे फिर प्लस टू हुआ एच में जाने के लिए, फिर यहाँ पे फिर 3 सीरीज को फॉलो किया है, वैसे ही अब फिर प्लस टू होगा, मतलब के प्लस फिर प्लस टू करेंगे तो एल में आ जाएंगे। तो यहाँ पर खाली स्थान में एक संख्या मिल गया एल। अब इन्हीं सीरीज को यह फॉलो करेगा तीनों का, तब एम एन ओ आ जाएगा, ठीक है, एन ओ पी आ जाएगा, ठीक है। एन ओ पी को फॉलो किया, फिर प्लस टू करेंगे यहाँ पे प्लस टू आए, वैसे भी एल के बाद फिर प्लस टू करेंगे तो एन ओ पी फॉलो करेगा ना, तो यहाँ पे एन ओ पी आ जाएगा। तो पहली संख्या कौन सी है? तो एन है, तो एल एन,
ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आ जाएगा सही आंसर। ये ऑप्शन ए गलत दिया है यहाँ पे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, वहाँ पे विलुप्त चित्र को ज्ञात करना है। ये दोस्तों ये आई टेस्ट के लिए दिया जाता है, ठीक है, ये नीचे वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसका नहीं है। तो देखिए यहाँ पे चौथा कौन सा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला सेकंड में यहाँ चला जाता है, ठीक है, ये दोनों अलग हैं, ये अपना बना दिए यहाँ पे, केवल आपको एग्जांपल देखना है। अब इसको देखिए इसी क्रम में ये कहाँ पे चला जाएगा, वहाँ पे चला जाएगा, मतलब देखिए इसमें जा रहा है ऊपर, इसमें तो ये कम दिया है, मतलब ये नहीं होगा, ये और ये है, ठीक है, तो ए से बी हुआ है ना यहाँ पे, ए से बी मतलब क्रम को फॉलो कर रहा है, तो सी से क्या होगा, डी होगा ना, तो यहाँ पे सी से सी ही दे दिया है, मतलब ये भी नहीं होगा, मतलब डी ऑप्शन 4 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, यदि बैडमिंटन को कूटबद्ध में ऐसा कुछ लिखा जाता है तब फुटबॉल को क्या लिखा जाएगा, तो देखते हैं बैडमिंटन में इसको ऐसा कुछ लिखा जाता है, मतलब बी से सी मतलब प्लस वन करते जाएंगे, ठीक है, दो बार प्लस वन करेंगे दो संख्या में, फिर प्लस टू दो संख्या में, फिर प्लस थ्री, वैसे ही फुटबॉल में, तो ए में प्लस वन करेंगे तो जी आ जाएगा पहला, फिर ओ में प्लस वन करेंगे तो पी आ जाएगा, वैसे ही अब ओ में प्लस टू करना है इस क्रम में देखिए तो क्यू आ जाएगा, और टी में प्लस टू करना है तो वी आ जाएगा, अब ई में प्लस थ्री करना है, ई और डी में प्लस थ्री, ठीक है, उसके बाद पी पी में प्लस फोर करना है, फिर एक्स में प्लस फाइव करना है, तो ये वाला प्राप्त हो जाएगा, मतलब इसमें करना है तो ये वाला प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, यदि इस संख्या को कूटबद्ध में ऐसा लिखा जाता है तथा इसको ऐसा लिखा जाता है तो कृष्णा को कूटबद्ध में क्या लिखा जाएगा, तो पहले जितनी संख्या मिल रहा है उसको मिलाइए, ठीक है, तो आपको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 75, ये भी आई टेस्ट का है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा वैसे ही जैसे ऊपर में बताया हूँ। क्वेश्चन नंबर 76 भी वैसे ही है, इसको पॉज करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इसको बताने में, एकदम ईजी रहता है, आई का टेस्ट है बस।